नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। पंचायत चुनाव के एक बार फिर से नए अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं। मेरा नाम है रत्नसेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार और मतदाताओं में एक उत्साह देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर गांव की राजनीति तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को अब गांव की सरकार कही जा रही है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अपडेट सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे मतदाताओं और उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पंचायतों के अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। पंचायतों की बार-बार मतदाता सूची में पूरे बिहार में करीब 10 लाख से अधिक नए मतदाताओं का नाम शामिल किया जा सका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस्तेमाल की गई मतदाता सूची को पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से वार्ड स्तर पर विखंडित किया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची में नए नाम भी जोड़े गए हैं। बता दें कि बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 124 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए गए सभी नए मतदाताओं का नाम भी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। बिहार चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के लिए विधानसभा की मतदाता सूची में उस ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद की मतदाता सूची तैयार की गई है। बिहार में 15 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 14,66,000 नए मतदाताओं का नाम शामिल किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारों की माने तो जारी मतदाता सूची में से शहरी मतदाताओं को छोड़ दिया जाए तो 10 लाख से अधिक मतदाता ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही नए मतदाताओं का नाम संशोधित मतदाता सूची में प्रकाशित की जाएगी। 24 फरवरी तक मतदाता सूची की छपाई भी कर ली जानी है। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव संबंधित तैयारियों की गति मिलेगी। गौरतलब है कि अभी पंचायत चुनाव को लेकर बूथों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। बिहार के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव के जरिए गांव में वार्ड सदस्य, पंचायत स्तर पर मुखिया, प्रखंड विकास समिति के लिए सदस्य और जिला परिषद के लिए सदस्य का चुनाव होता है। इसके साथ ही ग्राम कचहरी के लिए पंच और सरपंच का चुनाव होता है। इस प्रकार पंचायत चुनाव में बूथ पर पहुंचने वाला एक मतदाता सभी 6 पदों के लिए एक साथ मतदान करने के बाद वापस लौटता है। पुरानी प्रक्रिया में पंचायत चुनाव के हर बूथ पर 6-6 बैलेट पेपर रखे पड़ते थे। हर पद के मतदान के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रक्रिया में वक्त काफी अधिक लगता था। इसे देखते हुए सरकार ने इस बार ईवीएम के जरिए चुनाव कराने का निश्चय किया है। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना है। ईवीएम खरीदारी को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में ठन गई है। अब यह पूरा मामला कोर्ट में चला गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पहली बार पोस्टल बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। अब कहा जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीद में हो रही देरी के कारण चुनाव लेट होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार और बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के नए अपडेट के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।